हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवा स्पोकन इंग्लिश क्लास में। दोस्तों, मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप सचमुच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अगर आपकी इंग्लिश ज़्यादा कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो आप हमारी क्लास रोज़ का क्लास अटेंड कीजिए और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी क्लास मिस किए बगैर रोज़ क्लास अटेंड कर सके। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपको हमने जो कुछ भी पढ़ाया, इधर सिखाया, जो कुछ भी दिखाया, मैंने एक्सप्लेन किया, आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे और समझ गए होंगे। और जो भी हम सेंटेंस दिया है हमने आपको, उसका अभ्यास आप अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, एक नज़र उन सेंटेंसेस के आंसर पर जो पिछली बार हमने आपको दिया था। तो आपने टैली कर लिया होगा कि आपके कौन से सेंटेंस सही हैं, कौन से गलत हैं। और आज हम दोस्तों अब शुरू करेंगे क्वेश्चन वर्ड। आज हम आपको टीच करेंगे क्वेश्चन वर्ड के बारे में। क्वेश्चन वर्ड के बारे में हम कुछ जानेंगे, आज सीखेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड क्या होता है? पिछली बार हमने आपको बताया था इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। क्वेश्चन वर्ड का मतलब भी प्रश्नवाचक होता है। जैसा कि आपको हमने बताया था कि हमने इसको दो भागों में बांटा है, एक इंटरोगेटिव और एक क्वेश्चन वर्ड्स। तो क्वेश्चन वर्ड्स वो सेंटेंसेस हैं जिनमें क्वेश्चंस सिर्फ वर्ड होने से ही पूरी की पूरी सवाल बन जाते हैं। जैसे कौन, कहाँ, कैसे, क्यों, कब, ये क्वेश्चंस हैं। और इंटरोगेटिव में क्या होता है? इंटरोगेटिव में क्या से शुरू होता है? क्या तुम तैयार हो, जिसका जवाब सिर्फ हाँ और ना में दिया जा सकता है। लेकिन क्वेश्चन वर्ड अगर शामिल होता है सेंटेंस में, तो उस क्वेश्चन का जवाब सिर्फ हाँ और ना में नहीं दिया जाता है। इसके लिए मैंने इसको दो भागों में बांटा है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो दोस्तों, आज चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है। आप अच्छी तरह से इसको आप नोटबुक में लिख लें और अच्छी तरह से इसको याद कर लें, फिर हम बाद में इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहला व्हाट, मैंने क्या, हु, व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हिच, हुज, किसका, किसके, किसके, हुम, किसे, हाउ, कैसा, कैसी, कैसे, हाउ मैनी और हाउ मच, दोनों का मतलब कितना, कितनी, कितने ही होता है। हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे कि हाउ मैनी का इस्तेमाल कहाँ होता है और हाउ मच का इस्तेमाल कहाँ पर होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपने उसको लिख लिया होगा और मैं अब इसको मिटा रहा हूँ और वन बाई वन करके हम सेंटेंसेस के द्वारा इसको हम समझेंगे। पहले मेकिंग फार्मूला। मेकिंग फार्मूला में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब हम अभी क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट जो भी हो और अदर्स। क्वेश्चन वर्ड यानी कि हु, व्हाई, व्हेन, व्हाट, जो भी आए। हेल्पिंग वर्ब मतलब अभी हमारा हेल्पिंग वर्ब इज आर एम चल रहा है, मैं अभी आपको इज आर एम के बारे में पढ़ा रहा हूँ। तो इज आर एम, फिर ऑब्जेक्ट और अदर्स। जैसे तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा घर कहाँ है। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन वर्ड्स क्या है आपको ये देखना है। इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है? कहाँ। तो सबसे पहले हम कहाँ लिखेंगे, वेयर। फिर उसके बाद क्या, हेल्पिंग वर्ब। तो वेयर, तुम्हारा घर, किसी हम एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं, इसके लिए यहाँ पर हम इज लगाएंगे। वेयर इज तुम्हारा घर, योर हाउस। ठीक है दोस्तों। वह क्यों नाराज है, वह नाराज क्यों है। तो वाई इज ही एंग्री, तुम तैयार क्यों नहीं हो। अब क्वेश्चन वर्ड विथ नेगेटिव रहेगा तो वाई आर यू नॉट रेडी। और क्वेश्चन वर्ड में नेगेटिव भी हो तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में व्हाई आरंट यू रेडी। ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, और भी अच्छी तरह से हम कुछ और सेंटेंसेस के द्वारा समझते हैं। जैसे वह किसका घर है, वह किसका घर है। क्वेश्चन वर्ड
किसका मतलब हुज इज दैट हाउस। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हुज वाला जो सेंटेंस होता है हुज इज दैट हाउस, ये बोलचाल में ज़्यादा इस तरह से इस्तेमाल नहीं होता है। बोलचाल में जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो ये है कि हुज हाउस इज दैट, ये किसका घर, किसका कभी भी हो तो उसके साथ जो भी उसका सब्जेक्ट जुड़ा है उसको हम साथ में लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं बोलचाल की भाषा में, क्योंकि ये बोलने में ज़्यादा इजी नहीं होता है, मीन्स प्रोनाउंस अलग हो जाता है, हुज हाउस इज दैट नहीं बोल पाते, हु इज दिस हाउस ऐसा बोलते हैं। इसलिए अब काफ़ी लड़कों को, स्टूडेंट्स को मैंने बोलते हुए सुना है कि हु इज दिस हाउस, हु इज दिस हाउस, हु इज दैट हाउस, हु इज दिस पेन। अब हु इज दिस पेन का मतलब तो कुछ और हो जाएगा ना, इसलिए बोलने में और प्रोनाउंस में प्रॉब्लम होता है, इसलिए बोलचाल की ज़्यादा लैंग्वेज में जो होता है ये इस्तेमाल होता है, हुज हाउस इज दैट। ठीक है, अभी कौन सी पेन तुम्हारी है, कौन सी पेन तुम्हारी है, तो यहाँ पर पहले मैंने बताया था कि तुम्हारी पेन कौन सी है, तो ये सिंपल तरीके से बनेगा इस फॉर्मूले से जो फॉर्मूला लिखा था मैंने कि विच इज योर पेन, बट यहाँ पर है कौन सी पेन तुम्हारी है, इस पे जोर दिया जा रहा है कि कौन सी पेन तुम्हारी है, तो विच पेन, विच पेन इज योर्स, ये योर में एस क्यों लगा, इसका मैं आपको एक बार और अच्छी तरह से मैं इस पर मैं एक चर्चा करूंगा कि योर्स और माइन लास्ट में जब आता है तो सब इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, तो लास्ट में कभी भी योर आए तो उसमें एस जरूर लगता है, तो विच पेन इज योर्स इस तरह से होता है। ठीक है दोस्तों, तो इन सेंटेंसेस को आप अच्छी तरह से देख लो, एक बार अच्छी तरह से नोट कर लो अपने नोटबुक में और उसके बाद इसको समझ लो, फिर हम दूसरे क्वेश्चन वर्ड पे डिस्कशन करते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपने लिख लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अभी हम क्वेश्चन वर्ड में हाउ मैनी और हाउ मच का इस्तेमाल सीखेंगे, तो हाउ मैनी और हाउ मच, हाउ मैनी फॉर काउंटेबल थिंग्स, काउंटेबल थिंग्स, हाउ मच फॉर अनकाउंटेबल थिंग्स, ठीक है, जैसे वहां कितने पेड़ हैं, तो वहां कितने पेड़ हैं, तो पेड़ को हम दोस्तों गिनकर बताएंगे, अगर कोई हमसे पूछता है कि वहां कितने पेड़ हैं तो हम उसको गिनकर बताएंगे, उसको हम वजन करके या तौल के लिए बताएंगे, तो वैसी कोई भी चीज जिसकी गिनती करके हम बताते हैं, गिनती करते हैं, उसमें हम हाउ मेनी लगाएंगे, और वो काउंटेबल थिंग्स होगा तो उसमें हम हाउ मेनी लगाएंगे, और जिस चीज के हम गिनती नहीं करते, अगर मुझसे कोई पूछता है कि वहाँ कितना चावल है भाई, तो हम चार पाँच या हजार ऐसा नहीं बताएंगे, हम वहाँ वजन करके बताएंगे, क्वांटिटी में बताएंगे कि चार किलो है, दो क्विंटल है, इस तरह से, तो वैसे चीजों में हम हाउ मच का इस्तेमाल करते हैं। आइए देखिए वहाँ कितने पेड़ हैं, तो क्योंकि हम पेड़ को गिनते हैं इसलिए हाउ मैनी, हाउ मैनी, इतना ध्यान रखना दोस्तों कि कितने पेड़ यानी कितने के साथ जो जुड़ा है, जिसकी हम संख्या या मात्रा पूछ रहे हैं उसको हम साथ में लिखते हैं, हाउ मैनी ट्रीज आर देयर, वहाँ कितना पानी है, तो हाउ मच, क्योंकि पानी हम गिनते नहीं है, कोई भी चीज जिसको हम गिनते नहीं है उसके लिए हम हाउ मच का इस्तेमाल करेंगे, और हाउ मच में हमेशा इज लगता है, हाउ मच वाटर इज देयर। ठीक है दोस्तों, मतलब हाउ मैनी में हमेशा आर लगेगा और हाउ मच में हमेशा इज का इस्तेमाल होगा, इतना ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों,
आप इस सेंटेंसेस को अच्छी तरह से देख लीजिए, नोट कर लीजिए और इसको अच्छी तरह से आप समझ लेना। और ये रहा दोस्तों आज की प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस जो क्वेश्चन वर्ड्स से संबंधित है। आप इन सारे सेंटेंसेस को अच्छी तरह से ट्रांसलेट कर लेना इंग्लिश में और नेक्स्ट क्लासेस में हम इसका आंसर बताएंगे, आप टैली कर लेना। ठीक है दोस्तों, बाय।